ये है यहाँ पर एक्वेटिक वर्ल्ड, नो स्मोकिंग जोन। ओ त्री पानी में करंट और फिशेस में ये हमारे ऑस्कर फिश, ऑस्कर फिश है जो ब्राज़ील, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना आदि में पाई जाती है। इसके बाद ये देखो कितनी बड़ी बड़ी फिश है, क्या फिश है ये देखो, साइज़ देखो आप इनका, ऐसा लग रहा है कोई रॉकेट लॉन्चर की तरह एकदम रॉकेट जा रहा है। इसका नाम क्या है? एलिगेटर गार। दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको में पाई जाती हैं। ये कितनी छोटी छोटी हैं, इनका नाम है पुंटियंस। क्या नाम है? पुंटियंस। और ये पाई जाती हैं, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में आपको। आप देखो इनका एक बार कितनी ज़्यादा छोटी छोटी फिशेज हैं यहाँ पर। ये दक्षिण एशिया में सारा ताइवान के मूल निवासी हैं, ताइवान में और दक्षिण एशिया में पाई जाती है बहुत सारी। ये है डेनिशन बॉर्न फिश, ये डेनिशन बॉर्न फिश हैं। भारत के पश्चिमी घाटों में पाई जाती है। अल्बिनो लोच फिश, ये अल्बिनो लोच फिश है, आप देख सकते हैं इनका नज़ारा। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल। देखिए रेड ड्रैगन फ्लावर हॉर्न, और आप इसका लोकेशन देखिए, वाओ व्हाट इज दिस, दिस इज लुक लाइक अ, अरे इसका मुंह भी है, ऐसा लगता है कोई इंसानों की तरह इसके होंठ हैं, उस टाइप से मुंह खोल रही है। वाओ ब्यूटीफुल समुद्री फिश ये, रंग बिरंगी है बिल्कुल, ब्लैक वाइट और येलो कलर की मिक्स होके काफ़ी सुंदर लग रही हैं। ये येलो टेल ब्लू डेमसेल काफ़ी मेरिन फिश है, 3-4 डेसलेस, और आप देख सकते हैं किस टाइप की मछली है, बस ओनली दिस टाइप की, और यहाँ पर ये दिस टाइप की। दिस इज जॉइंट गुरामी। ये है इरिडेसेंट शॉर्क, ये पाई जाती है मेकांग बेसिन और चाओ फ्राया में, खतरनाक नाम है। इसके बाद ये ची चिल सी टाइप टाइप के टेक्सचर्स। उसके बाद ये है अरपाइमा, अरपाइमा, और आप देख सकते हैं इसकी लंबाई, वाह वाह, ऐसा लगता है रॉकेट की तरह बिल्कुल। ये है टेक्सास सिक्लिड है। ये घोस्ट नाइफ फिश, घोस्ट
पलवार। इसके बाद ये है ब्लैक पैरेट सिकलिक, ब्लैक पैरेट सिकलिक। सिल्वर शार्क, अब इसमें सिल्वर शार्क कुछ टाइप की है, वो सिल्वर की तरह लग रही है। और ये है मोनो एंजल फिश, ये बिल्कुल त्रिकोण एकदम से, एक ट्रायंगल होता है उस टाइप से लग रही है। ये बिग फिश है, सिल्वर एरोवाना, ये फिश है। के बाद हम बढ़ते हैं आगे, हो गया। यह है रेड टेल कैटफिश, और ये देखिए आप कितनी क्यूट लग रही है। इसके आगे क्या निकले हुए हैं, ये है कुछ यहाँ पर। इधर टिन फॉइल बॉर्ब है, टिन फॉइल बॉर्ब, और यहाँ पर आपको दिख सकता है इस टाइप की है, वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज प्लेटिनम एंजल एंड ये कुछ इस टाइप की हैं, ये भी बिल्कुल त्रिकोण की तरह स्टार फिश टाइप लग रही हैं। और एक ये है स्नेक हेड मुरल फिश, ये स्नेक हेड मुरल फिश है। इसके बाद ये एग्जिट, यहाँ पर है अभी बैंडेड चिकन सेवरम, नॉर्मल सी हैं, मतलब ऐसे ही जैसे पीछे देख के आए, कुछ खास नहीं है। इसके बाद कुछ ये है ग्रास कॉर्प, एंड ये ग्रास कॉर्प हैं। ये देखिए एक ये फिश है, खानी पीनी चाहिए। और एक ये गाइज, हमने ये एक्वेरियम फ्रीज कर लिया है फिलहाल, और आप देख सकते हैं कि हमने कितने सारी मछलियाँ यहाँ पर देखी हैं। और आपको समीर सर बताएंगे इनका कैसा एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, हमने जो मछली कभी नहीं देखी थी वो भी देखने को मिली है, और बहुत बहुत अच्छी अच्छी मछलियाँ हैं यहाँ, मतलब सुंदर बहुत है यार, मतलब कितनी सुंदरता देखो। कुछ मछलियाँ तो ऐसी हैं कि मन ही नहीं कर रहा कि वहाँ से हट जाओ। और देखने का मछलियाँ ऐसी भी हैं जो सिर्फ समुद्र में पाई जाती हैं, कुछ पीसेस वहाँ से भी। तो क्या लगता है आपको जो हमने इसका प्राइस पे किया है वो वर्थ है? मतलब समीर सर के साथ से वो वर्थ है, अगर आप चाहते हैं यहाँ आना ज़्यादा नहीं तो आप एक्वेरियम का टिकट लेकर के आए तो ही आपके लिए बेटर होगा। अगर आप नॉर्मल टिकट लेते हैं तो फिर आपको एक्वेरियम में घुसने नहीं दिया जाएगा, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात।